अलकाई अमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस बालाजी अमाइंस लिमिटेड। दोनों ही कंपनीज अमाइंस बनाती हैं, अमाइंस जो कि यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में। तो एक कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखा है, चलिए देखते हैं। स्मार्ट नेशन, लेट्स बिगिन इन्वेस्टिंग मेड सिंपल विद सीए पुनीत जाजू। मार्केट कैप के हिसाब से अलकाई अमाइंस एक ज्यादा बड़ी कंपनी है, 2.5 गुना एज कंपेयर टू बालाजी। मार्केट कैप है 4400 करोड़ अलकाई अमाइंस का, वहीं बालाजी का है 1700 करोड़। करंट स्टॉक प्राइस अलकाई अमाइंस की है 2166 रुपए, वहीं बालाजी की है 542 रुपए। 52 वीक में वेरिएशन आप देखेंगे तो 2200 हाई है और 653 लो है बालाज अलकाई अमाइंस का, वहीं बालाजी का है 557 और 200 रुपये। बुक वैल्यू से काफी ज्यादा प्रीमियम पे है अल्काइल अमाइंस और बालाजी का शेयर। अल्काइल अमाइंस का ऑलमोस्ट 8 गुना है, वहीं बालाजी का 2.5 गुना पे। स्टॉक पीई मल्टीपल दोनों ही कंपनीज में हाई है, 23 अल्काइल अमाइंस का और बालाजी का 16। डिविडेंड यील्ड दोनों कंपनी में 1% से कम है, अल्काइल अमाइन में 0.46 वहीं बालाजी में 0.59%। रिटर्न रेशियोज दोनों ही कंपनी के ऑलमोस्ट बराबर से हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% और 25%, रिटर्न ऑन एक्विटी 25% और 22%। सेल्स ग्रोथ दोनों कंपनी में अल्काइल अमाइंस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, पिछले 3 सालों में 20% का ग्रोथ है, वहीं बालाजी में 14% का ग्रोथ। प्रोमोटर होल्डिंग दोनों ही कंपनी में अल्काइल अमाइंस की ज्यादा है, 74%, वहीं बालाजी में है 54%। प्लेजिंग किसी भी कंपनी में नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर बोथ द कंपनीज। और प्रमोटर होल्डिंग भी काफी अच्छी है और चेंज नहीं है अल्काइल अमाइंस में, वहीं बालाजी में 1% की गिरावट है शेयर होल्डिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर्स की। डेट टू एक्विटी रेशियो अल्काइल अमाइंस में बहुत कम डेट है, 0.09 का, वहीं बालाजी का 0.37 का डेट इक्विटी रेशियो है। 48 करोड़ का डेट अल्काइल में, वहीं 250 करोड़ का बालाजी अमाइंस में। और अल्काइल ने अपना डेट पिछले 3 सालों में कम किया है, 50% कम हो गया है, वहीं बालाजी ने अपना डेट इंक्रीज किया है। प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों ही कंपनी में प्रीमियम है, अल्काइल में ज्यादा प्रीमियम है 8 गुना का, वहीं बालाजी में 2.5 गुना का। रिटर्न ऑन एसेट्स 16% के अल्काइल के, वहीं बालाजी के 15%। तो रिटर्न रेशियोज हमने देखा दोनों ही कंपनी के ऑलमोस्ट बराबर से हैं, चाहे वो आरओसी हो या आरओई हो या रिटर्न ऑन एसेट्स है। सेल्स ग्रोथ दोनों कंपनी में पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट बराबर सही है, 15% और 14% का। प्रॉफिट ग्रोथ अल्काइल अमाइंस का काफी अच्छा है, 31% का, वहीं बालाजी का है 22% का। अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 100 रुपये है अल्काइल का, वहीं 32 रुपये बालाजी का। रिटर्न रेशोज पिछले 10 सालों में दोनों कंपनी की बराबर सी ही है, 23% और 24%। रिटर्न ऑन एक्विटी भी ऑलमोस्ट बराबर सा ही है दोनों कंपनी का, और शेयर होल्डर्स को अल्काइल अमाइंस में ज्यादा फायदा मिला है, 46% का। काफी शानदार रिटर्न्स दिए हैं अल्काइल अमाइंस एंड केमिकल्स ने, 10 साल हर साल 46% का रिटर्न, वहीं 32% का रिटर्न बालाजी अमाइंस के शेयर होल्डर्स को हर साल। तो स्मार्ट नेशन, ये था कंपैरिजन दोनों कंपनीज के बारे में। दोनों ही कंपनी बहुत शानदार है, अगर आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं। एक स्पेशलिटी अमाइंस केमिकल एक ऑलिगोपोली होती है, जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, और फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में यूज होता है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप थोड़ा दूर रहिए दोनों काउंटर से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपका कौन सी कंपनी ज्यादा पसंद है और उसकी क्या वजह है। थैंक यू वेरी मच।